हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल डेली करंट अफेयर्स एजुकेशन हब बाय हिमांशु फॉर यू। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसमें देखेंगे 14 अप्रैल 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एजुकेशन हब बाय हिमांशु, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य किसे बनाया गया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि बात हो रही है आईएमएफ की। ठीक है फ्रेंड्स, और आईएमएफ में एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप का जो मेंबर बनाया गया है, किसे बनाया गया है? जो हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं रघुराम राजन, उनको बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखते हैं। जो आईएमएफ है, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड, जिसके वर्तमान जो प्रमुख हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में आता है। और इसकी जो मुद्रा है, जिसकी करेंसी है, वो है एसडीआर। कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है कि एसडीआर का संबंध किससे है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है, या फिर एसडीआर की फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछता है। तो एसडीआर की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आईएमएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के कॉपी घर से चेक करने के लिए कहा है? जैसे अभी आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हरियाणा ने, जिसकी स्थापना 1966 में होती है, हरियाणा ने अपने, हरियाणा का जो शिक्षा बोर्ड है उसने अपने टीचरों से या अपने कर्मचारियों से कहा है कि आप 10वीं कक्षा की जो कॉपियां हैं उनको घर बैठे जांचें। ठीक है फ्रेंड्स, वर्क फ्रॉम होम उनको करने के लिए कहा गया है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की स्थापना 1966 में होती है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और इनकी राजधानी, हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। ठीक है फ्रेंड्स, और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी है। वहीं बात करें लोकसभा सीटों की, तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, हरियाणा में एक शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है, जो हरियाणा की कैपिटल है और जो पंजाब की भी कैपिटल है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये चंडीगढ़ में है। आजकल कई पेपरों में हवाई अड्डे पूछ लेता है, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में है। राजीव गांधी कहाँ है, तो वो हैदराबाद में है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, कैंपा गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो बेंगलुरु में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला फैक्ट है कि सुल्तानपुर अभयारण्य जो है, सुल्तानपुर अभयारण्य वो भी हरियाणा में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन टूल्स उद्योग के लिए फेमस औद्योगिक शहर पिंजौर वो कहाँ है, वो भी हरियाणा में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, मशीन टूल्स के उद्योग जहाँ होते हैं उसके लिए फेमस एक औद्योगिक शहर जो है पिंजौर, वो भी हरियाणा में है। नेक्स्ट, करनाल जो कि डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, और अम्बाला जो कि वैज्ञानिक उपकरणों के लिए फेमस है, वो दोनों के दोनों भी हरियाणा में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? तो अभी हाल ही में फीफा ने अपनी एक नवीनतम रैंकिंग जारी की है देशों की, जिसमें भारत 108वें नंबर पर है। पहले नंबर पर बेल्जियम बना हुआ है और दूसरे नंबर पर फ्रांस बना हुआ है। फीफा की बात कर लेते हैं, तो फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स, वो हैं गोविनानी इन्फेनितो, इन्फने तीनों यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं फीफा के। इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में आता है। और जो पहला विश्व कप था फीफा का फुटबॉल का, वो किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फीफा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए आरबीआई ने अपने अभियान में किसे जोड़ा है? तो देखिए, लॉकडाउन के दौरान जो आरबीआई है उसने लोगों से डिजिटल बैंकिंग को अपनाने के लिए कहा है, तो उसके लिए उन्होंने अभियान चलाया है, जिसका उन्होंने बनाया है, जिसको शामिल किया है उस अभियान में अमिताभ बच्चन को, जो कि लोगों को डिजिटल बैंकिंग के लिए उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो स्थापना हुई थी ये कोलकाता में हुई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी, लेकिन अभी आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है।
आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न ए स्मिथ थे। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न ए स्मिथ थे। अगर हम आज़ाद भारत की बात करें तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर थे सी डी देशमुख। ठीक है फ्रेंड, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान है शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास होगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। शक्तिकांत दास जी अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना इसकी कोलकाता में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया था? तो ये 11 अप्रैल को मनाया गया था। 2013 से ये शुरू हुआ था। और जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उसमें बच्चे और माँ को सुरक्षित रखने के लिए, कि उनको बिल्कुल ही ज़्यादा खतरा ना हो, उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ समझौता कर इंश्योरेंस सेवाएं शुरू की हैं? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर इंश्योरेंस सेवाएं शुरू की हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसके जो फुल फॉर्म है यह है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना होती है ये 1994 को होती है। इसमें जो वर्तमान चेयरमैन है वो अभी एम के शर्मा है। अब इसकी बैंक की जो टैगलाइन है वो है हम है ना ख्याल आपका। तो ये आजकल बैंकों की टैगलाइन पूछ लेता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। इसने हाल ही में व्हाट्सएप में बैंकिंग सेवा और कार्ड रहित नकदी निकालने की सेवाएं शुरू की है। किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने। व्हाट्सएप में बैंकिंग सेवा किस बैंक ने शुरू करी? तो आईसीआईसीआई बैंक ने करी। और इसी ने कार्डलेस कैश निकालने की भी सेवा शुरू की है। अब दूसरी इसमें जो संस्था थी जिसने समझौता किया था वो थी फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनके हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने करोड़ रुपए दिए? तो उन्होंने दिए भारत को 16,700 करोड़ रुपए। होगा यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, 16,700 करोड़ रुपए दिए हैं एडीबी ने। जो एडीबी है उसने भारत को, ठीक है फ्रेंड। स्थापना 1966 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो देखिए, भारत पढ़े ऑनलाइन जो ये मुहिम है ये मानव संसाधन मंत्रालय ने शुरू की है और इसके जो मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है फ्रेंड, भारत पढ़े ऑनलाइन जो मुहिम है ये मानव संसाधन मंत्रालय जो है उसने शुरू की है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए, शांति हीरानंद चावला पद्मश्री से ये सम्मानित है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये गायिका थी ये, और पद्मश्री से ये सम्मानित थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बैंक ऑफ ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो देखिए फ्रेंड, बैंक ऑफ ब्यूरो की बात करें तो बैंक ऑफ ब्यूरो होता क्या है? बैंक ऑफ ब्यूरो का गठन सरकार ने 2016 में किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका काम क्या होता है कि जितने भी बैंकों में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, चाहे वहाँ का मैनेजर हो, एमडी हो, सीईओ हो, उनकी नियुक्ति की जो सिफारिश करता है सरकार को, वो बैंक ऑफ ब्यूरो करता है। तो इसमें जो इसके सदस्य हैं इनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने दो दो साल के लिए बढ़ा दिया है। दो दो साल के लिए सबका कार्यकाल बढ़ा दिया है जो इसके सदस्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।